जी क्लास तमाम स्टूडेंट्स हो गए कि एज सून एज पॉसिबल मीटिंग ज्वाइन कर लें सो दैट वी कैन स्टार्ट। जी क्लास को सबमिट हो गया। 41 आउट ऑफ 48 स्टूडेंट्स 41 तो सबमिट करवा चुके हैं। ओके गुड। गुड। के सारे पार्टिसिपेंट्स ऑलमोस्ट ज्वाइन कर चुके हैं यार। 30 पार्टिसिपेंट्स कंटिन्यू करते हैं हम। सो वी वर डिस्कसिंग इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बेसिकली क्या है, जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं बार बार क्लास में रिपीट करने के बजाय हम उनको एक क्लास में यूज कर दें और उसको पेरेंट क्लास कहें, और फिर फर्दर उन एट्रीब्यूट्स और उन मेथड की जिन जिन क्लास को फर्दर रिक्वायरमेंट हो हम उन क्लासेस को चाइल्ड क्लास क्रिएट कर लें। सो व्हेन वी आर डिफाइनिंग इनहेरिटेंस वी हैव टू टाइप्स फॉर अचीविंग इनहेरिटेंस, स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। ठीक है, एदर वी आर क्रिएटिंग इनहेरिटेंस through top to down approach or bottom to up approach. When we are talking about top to bottom, तो उसको हम कह रहे हैं स्पेशलाइजेशन। मीन्स फर्स्ट हमने एक पेरेंट क्लास बनाई, ठीक है, और उसमें अब लेट से मैंने एक क्लास बनाई पर्सन की जो कि एक पेरेंट एट्रीब्यूट है, उसमें वो एट्रीब्यूट हैं जो जितने भी क्लास उससे बिलोंग कर रहे हैं उन सब के लिए एक्सेसिबल है। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास कुछ स्पेशलाइज फील्ड्स भी हों। लेट से पर्सन की क्लास मैंने एक बना ली, अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास एक टीचर की क्लास भी हो जिसमें कुछ एट्रीब्यूट्स तो वही पेरेंट की क्लास के हों पर्सन के, और कुछ उसके अपने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। तो लेट से उसकी डेजिग्नेशन, एक्सपीरियंस कितने इयर्स का है, स्पेशलाइज कोर्सेज कौन कौन से हैं, तो मैं कुछ स्पेशलाइज फील्ड चाह रही हूँ। तो उस स्पेशलाइज फील्ड के लिए मुझे अगर तो मैं उस पेरेंट की क्लास को अपडेट करती हूँ तो फिर वो जेनेरिक नहीं रहेगी वो पेरेंट वाली क्लास। लेट से अगर मैं चाह रही हूँ कि स्टूडेंट भी उस क्लास को इनहेरिट कर ले तो उसमें टीचर के एट्रीब्यूट भी आ चुके होंगे। सो इट इज नॉट अ गुड अप्रोच कि मैं एग्जिस्टिंग क्लास में ही और फील्ड्स एड ऑन करूँ। ठीक है, तो फिर उसके लिए मेरे पास क्या सोल्यूशन होगा, हमारे पास सोल्यूशन ये होगा मैं इनहेरिटेंस की ही टाइप को डिफाइन कर रही हूँ, स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। ठीक है, सो हमारे पास जब स्पेशलाइजेशन इज दैट कि मैंने एक क्लास बना ली पेरेंट क्लास लेट से पर्सन की जिसमें नेम एड्रेस फोन नंबर है, अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे कुछ एक और क्लास बनानी है टीचर की, तो मैं क्या करूंगी, मैं एक स्पेशलाइज क्लास बनाऊंगी टीचर की, उसको पेरेंट की क्लास से इनहेरिट करूंगी क्योंकि हर टीचर का भी नेम एड्रेस फोन नंबर तो होगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी उसको इनहेरिट करवा दूंगी पेरेंट क्लास से, और जो स्पेसिफिक फील्ड्स हैं वो मैं चाइल्ड क्लास टीचर की क्लास में डिफाइन करूंगी। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये प्रोसेस जो है ये टॉप टू बॉटम इनहेरिटेंस है। टॉप टू बॉटम मींस पहले मैंने पेरेंट क्लास बनाई और उस पेरेंट क्लास को देखते हुए और जितनी सब क्लासेस या चाइल्ड क्लासेस ड्राइव हो सकती है मैंने वो चाइल्ड क्लासेस बना ली जिसके अपने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। फिर आगे जाके मुझे लगा ठीक है कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, अब एक स्टूडेंट की भी एक क्लास होनी चाहिए, अब स्टूडेंट के भी कुछ एट्रीब्यूट तो यही होंगे नेम एड्रेस फोन नंबर, तो मैं एक और स्टूडेंट की क्लास बनाऊंगी उसको भी पर्सन की क्लास से इनहेरिट करवा दूंगी। फिर मैंने कहा कि ठीक है हमारे पास जो है एक एडमिन की भी क्लास होनी चाहिए, एडमिन इज ऑल्सो अ पर्सन, सो उसको भी मैं उस पेरेंट क्लास से इनहेरिट करवा दूं। सो दैट इज टॉप टू बॉटम इनहेरिटेंस। टॉप टू बॉटम मींस पहले मैंने पेरेंट क्लास डिफाइन कर ली और उसके बाद जितनी भी सब क्लासेस हैं वो मैं डिफाइन करते चली जा रही हूँ। फिर मैंने स्टूडेंट बना ली, अब स्टूडेंट की क्लास को मैं कह रही हूँ फर्दर इट कैन बी डिवाइडेड इंटू ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, तो फिर मैंने उसके लिए फिर फर्दर उसको डिफाइन कर दिया। तो ये टॉप टू बॉटम पूरी हायरार्की मेंटेन हो रही है, इसको हम कह रहे हैं स्पेशलाइजेशन। पहले एक क्लास बनाई और उसके बाद जब स्पेसिफिक फील्ड्स के लिए हम स्पेशलाइज क्लासेस बनाते जा रहे हैं तो हम चाइल्ड क्लासेस बनाते जा रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे स्पेशलाइजेशन।
एंड अनदर प्रोसेस इज जनरलाइजेशन. जनरलाइजेशन ये होगा, जैसे हम केस स्टडी देख रहे थे उसमें हमारे पास स्टूडेंट की एक क्लास है, प्रोफेसर की एक क्लास है. अब उसमें कुछ एट्रीब्यूट हैं कॉमन. अब लेट से मैं उसमें एक और एट्रीब्यूट ऐड कर रही हूँ, एक और क्लास ऐड कर रही हूँ एडमिन की, तो उसमें भी फिर मुझे वो सारे एट्रीब्यूट रिपीट करने पड़ेंगे जो स्टूडेंट और प्रोफेसर की क्लास में ऑलरेडी डिफाइन है. तो उससे बेटर अप्रोच मेरे पास ये है कि मैं जनरलाइजेशन करूँ. जनरलाइजेशन इज दैट कि चाइल्ड क्लासेस को देखकर जहाँ आपको लग रहा है कॉमन एट्रीब्यूट है, उन कॉमन एट्रीब्यूट से लेकर आप एक पेरेंट क्लास बनाए. होगी वो भी इनहेरिटेंस, लेकिन इट्स जनरलाइजेशन. मींस जो जेनेरिक एट्रीब्यूट्स हैं, जो जनरल हैं, सबके लिए कॉमन है, उसको हमने एक क्लास में डाल दिया. सो दैट इज बॉटम अप. हम नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं. बेटा थोड़ा सबर ही तो करो. जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन बता दी. अब जनरलाइजेशन कंप्लीट होगी तो फिर डिफरेंस क्लियर होगा ना. पहले स्पेशलाइजेशन की एग्जाम्पल देखी, अब जनरलाइजेशन की एग्जाम्पल देख रहे हैं. जब ये कम्प्लीट हो जाएगा तो फिर डिफरेंस भी आ जाएगा. थोड़ा पेशेंस तो रखा करें. ठीक है दोनों ही इनहेरिटेंस, लेकिन दोनों क्या है, करने का तरीका कि एदर हम टॉप टू बॉटम इनहेरिटेंस कर रहे हैं या हम बॉटम टू अप जा रहे हैं. हम हायरार्की को ऊपर से नीचे की तरफ ला रहे हैं या नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं. ठीक है, जब हम ऊपर से नीचे, यानी कि जब हम पेरेंट क्लास डिफाइन करेंगे और उसके बाद जब सब क्लासेस बनाएंगे, तो उसको हम कह रहे हैं टॉप टू डाउन इनहेरिटेंस, जो कि स्पेशलाइजेशन है. और जब हम स्पेसिफिक चाइल्ड क्लासेस से कॉमन एट्रीब्यूट्स निकालकर, यानी कि चाइल्ड क्लास पहले बनी है उनको देखकर जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, हम कह रहे हैं कि ये हर क्लास में बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्यों ना हम इसको एक कॉमन क्लास में डिफाइन करते हैं. तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम जनरलाइजेशन कह रहे हैं, जो कि बॉटम टू अप है. यानी कि नीचे से चाइल्ड क्लासेस से को देख कर हम जो है वो पेरेंट क्लासेस डिफाइन कर रहे हैं. So generalization provides a capability to create super classes that encapsulate structure and behavior common to several classes. यानी कि मेरे पास multiple child classes हैं जिनमें कुछ attributes common हैं. उनको देखकर हमने एक parent class बना दी, that is generalization. Sub class inherits public and protected elements of super class. और जो child classes हैं वो क्या inherit कर रही होंगी, जो हमने नई class बनाई है parent class, उसके public और protected elements को access कर सकती है आपकी child class. रूल सारे वही है इनहेरिटेंस, बस करने के दो अलग अलग वे हैं कि अगर आप टॉप टू डाउन जा रहे हैं या आप बॉटम टू अप जा रहे हैं. क्लासेस आर एग्जामिन्ड फॉर कॉमनलिटी ऑफ स्ट्रक्चर एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर ऑपरेशंस. जनरलाइजेशन करने के लिए पहले आप चाइल्ड क्लासेस में वो एट्रीब्यूट देखेंगे जो कॉमन है, जो हर क्लास में रिपीट हो रहे हैं और आने वाली क्लास में भी हो सकते हैं. जैसे कि नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ये स्टूडेंट की क्लास में भी है, ये प्रोफेसर की क्लास में भी है. हो सकता है अब मैं एक और क्लास बनाने जाऊं एडमिन, उसका भी नेम, एड्रेस, फोन नंबर होगा. एक और क्लास बनेगी उसमें भी ये चीजें. हर क्लास में बार बार रिपीट करने से बेटर ये नहीं है कि हम एक क्लास बनाएं, स्टूडेंट प्रोफेसर से ऊपर की एक क्लास बनाएं और उसमें ये सारी चीजें एट्रीब्यूट डिफाइन कर दें. उससे फायदा ये होगा कि नई आने वाली क्लास ऑटोमेटिकली उसको इनहेरिट करेगी, तो हमारे पास ये दोबारा चीजें जो है कोड रिडंडेंसी नहीं होगी, रिपीटेंस नहीं होगी कोड की. तो इस प्रोसेस को हम जनरलाइजेशन कह रहे हैं, जब मल्टीपल सब क्लासेस से हम डिराइव डिफाइन करें कोई नई पेरेंट क्लास और इनहेरिटेंस करें. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जनरलाइजेशन. हमने जनरल एट्रीब्यूट्स निकाले और एक कॉमन क्लास बना ली जिसको हम जनरलाइज्ड क्लास कह रहे हैं, पेरेंट क्लास कह रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने फर्दर एग्जांपल क्या दिए कि स्टूडेंट की क्लास में हमारे पास एक कॉमन एट्रीब्यूट होगा स्टूडेंट आईडी, एंड वी हैव प्रोफेसर की क्लास में हमारे पास एक एट्रीब्यूट है प्रोफेसर आईडी. सो जनरल एट्रीब्यूट उनको देखकर क्या बन सकता है, सिंपल यूजर आईडी कुड बी क्रिएटेड टू रिप्लेस द स्टूडेंट आईडी एंड द प्रोफेसर आईडी एज लॉन्ग एज द इंडिविजुअल आईडीज फॉलो द सेम नंबरिंग स्कीम. दोनों में हम यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो हर क्लास में अलग अलग यूज करने के बजाय हम एक और क्लास बनाते हैं जिसमें एक एट्रीब्यूट कर देते हैं यूजर आईडी और स्टूडेंट और प्रोफेसर की क्लास में से स्टूडेंट आईडी और प्रोफेसर आईडी हटा देते हैं और एक जनरल क्लास बनाते हैं जिसमें हम यूजर आईडी का एट्रीब्यूट रखेंगे और उस जनरल क्लास से इन दोनों क्लासेस को इनहेरिट करवा देंगे. इफ दे आर डिफरेंट, अगर डिफरेंट होती
E.g. the student ID is a 10-digit alphanumeric and the professor ID is a 4-digit number. Then they should be kept separate. अगर इनका mechanism different होता, एक में 4-digit है, एक में 10-digit है, एक में alphanumeric है, एक में सिर्फ digits है, कोई mechanism में change है, तो फिर तो हम इसको अलग-अलग रहने देंगे. लेकिन अगर generic है, दोनों में same scheme use हो रही है, तो फिर हम उनको हर class में repeat करने के बजाय हम एक नई class define कर लेंगे. और ये सिर्फ एक attribute के लिए नहीं होगा, एक attribute हम हर क्लास में से मल्टीपल कॉमनैलिटीज निकालेंगे कि जनरल एट्रीब्यूट्स और जनरल मेथड्स क्या हैं. उसकी बेसिस पे फिर हम एक नई पेरेंट क्लास डिफाइन करेंगे और सारी सब क्लासेस उसको इनहेरिट कर रही होंगी. ठीक है, स्पेशलाइजेशन क्या है? स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू क्रिएट सब क्लासेस दैट रिप्रेजेंट रिफाइनमेंट थ्रू द सुपर क्लास. यानी कि पेरेंट क्लास बनी है, अब उस पेरेंट क्लास, लेट से मैंने पर्सन की क्लास बनाई है, अब मुझे अपने प्रोग्राम में एक टीचर की क्लास बनाने की जरूरत है, तो उसको स्क्रैच से बनाने के बजाय मैं उसको पर्सन से इनहेरिट कर दूंगी. तो जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो पर्सन, और जो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स मुझे टीचर के रखने हैं वो मैं अपनी टीचर की क्लास में एड ऑन कर दूंगी. आगे चल के मुझे लगा कि स्टूडेंट को भी मुझे ऐड करना है, तो स्टूडेंट भी इटसेल्फ एक पर्सन है, तो दैट इज स्पेशलाइजेशन. कि पेरेंट को देखकर फर्दर हमने क्लासेस डिफाइन की और हर क्लास को हम रिफाइन करते जा रहे हैं विद their all specific attributes as well. Teacher ki class mein teacher ke apne specific attributes honge, student ki class mein student ke apne specific attributes honge, aur ye dono class inherit kar rahi hai person ko, so person ke jo attributes hain wo dono ke liye common hai. The registration system could be expanded to allow senior citizens to take classes free of charge. ठीक है, ये इन्होंने स्पेशलाइजेशन की क्या की कि जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उस रजिस्ट्रेशन सिस्टम को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें ताकि जो ओल्ड सीनियर सिटीजन है वो फ्री ऑफ चार्ज जो है वो क्लासेस ले सकें. तो ये क्या होगा, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन सिस्टम को हम डिफाइन करके एक और क्लास बनाएंगे सीनियर सिटीजन के लिए, फिर उसमें उसकी फंक्शनैलिटी होगी. अ न्यू सब क्लास कॉल्ड सीनियर सिटीजन कुड बी एडेड टू द रजिस्ट्रेशन यूजर हायरार्की टू होल्ड इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू सीनियर सिटीजन. तो हमने क्या किया, एक एग्जिस्टिंग क्लास को देखकर हमें लगा कि अगर एक्सेप्शनल केस हो सकता है कोई स्पेशलाइज्ड, तो उसके लिए फिर हमने एक और क्लास बना दी जो कि चाइल्ड क्लास है. अगेन यहाँ पे ऑपरेशंस मेथड आपके पास ओवरराइड हो सकते हैं सब क्लास में. ठीक है, जनरलाइजेशन या स्पेशलाइजेशन देख लेते हैं क्या डिफरेंस है. कॉमन डेटा एलिमेंट्स एंड मेथड्स आर पुट टुगेदर इन सुपर क्लास, दैट इज जनरलाइजेशन. चाइल्ड क्लासेस को देखकर जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं उनको कॉमन एट्रीब्यूट्स निकालकर हमने एक नई क्लास बना दी पेरेंट क्लास, दैट इज जनरलाइजेशन. कि हमने जेनेरिक एट्रीब्यूट, जनरल एट्रीब्यूट्स, कॉमन एट्रीब्यूट्स निकाल के एक नई क्लास बना ली. और स्पेशलाइजेशन, स्पेसिफिक डेटा एलिमेंट जो कि एड ऑन हो सकते हैं उनके लिए हमने पेरेंट को डिफाइन करके इनहेरिटेंस में कुछ और नई क्लासेस बना दी और उसमें वो स्पेशलाइज्ड और स्पेसिफिक फील्ड्स एड ऑन कर दी. So that is generalization and in specialization. Generalization bottom to up, saving account की एक class है, credit card की एक class है, दो अलग अलग classes हैं. अब हम कह रहे हैं कि इसमें कुछ attributes common होंगे, तो उसके लिए हमने एक नई class define कर दी, तो ये process होगा generalization का. लेकिन अगर हम इस sequence में नहीं जा रहे, पहले हमने bank account की class बनाई है और अब हम कह रहे हैं कि बैंक अकाउंट कैन बी सेविंग अकाउंट और कैन बी क्रेडिट अकाउंट एज वेल, सो इसकी बेसिस पे जो ब्रेकिंग है दैट इज स्पेशलाइजेशन. तो अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो स्पेशलाइजेशन, अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो जनरलाइजेशन. क्लियर हो गया क्लास, इसमें कोई फर्दर कंफ्यूजन तो नहीं है? हैं दोनों ही इनहेरिटेंस, बस करने का तरीका है. अगर आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हम उसको प्रोसेस को स्पेशलाइजेशन कह रहे हैं, अगर आप बॉटम टू अप जा रहे हैं तो उस प्रोसेस को जनरलाइजेशन कह रहे हैं. जी क्लास क्लियर है, यहां तक कोई क्यूरी है? अप टू बॉटम स्पेशलाइजेशन है, तो यानी अगर बैंक अकाउंट से क्रेडिट कार्ड अकाउंट या सेविंग अकाउंट की तरफ आ जा रहे तो फिर वो स्पेशलाइजेशन होगा ना? जी, अगर बैंक अकाउंट की क्लास पहले बनी है
और फिर उसको देखने के बाद हम सेविंग अकाउंट और क्रेडिट कार्ड अकाउंट की क्लास बाद में डिफाइन करें तो वो स्पेशलाइजेशन है। लेकिन अगर सेविंग अकाउंट और क्रेडिट कार्ड अकाउंट की क्लासेस बनी हुई हैं और उसमें कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें लग रहा है कि और कोई नई अगर क्लास बन रही है उनके लिए भी कॉमन होगा, तो फिर हम बैंक अकाउंट की एक और क्लास बनाएंगे, दैट वुड बी जनरलाइजेशन। नीचे से ऊपर आएंगे तो जनरलाइजेशन, ऊपर से नीचे आएंगे तो स्पेशलाइजेशन। अब इस वक्त ये जो डायग्राम है ये जनरलाइजेशन को इंडिकेट करेगा। बेटा ये दोनों चीजें हैं ना, अगर आप बॉटम टू अप जाओगे तो जनरलाइजेशन है, अगर टॉप टू बॉटम आओगे तो स्पेशलाइजेशन है। अभी यहाँ कहीं भी नहीं डिफाइन हुआ कि पहले बैंक अकाउंट की क्लास बनी है या सेविंग अकाउंट बनी है। अगर मैं कह देती हूँ कि बैंक अकाउंट की क्लास पहले बनी है और उसको देखकर हमने सेविंग अकाउंट और क्रेडिट कार्ड अकाउंट बनाया, तो फिर ये स्पेशलाइजेशन की टाइप होगी। और अगर मैं कह रही हूँ कि सेविंग अकाउंट की क्लास और क्रेडिट कार्ड अकाउंट की क्लासेस पहले बनी हुई हैं और उनको देखकर फिर मैंने बैंक अकाउंट की क्लास बनाई है, तो दैट वुड बी जनरलाइजेशन। आप लोगों ने आप सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रही हैं, मैं नहीं पढ़ा पढ़ा ये ऊप में नहीं पढ़ी नहीं, जनरलाइजेशन वो पढ़ा है मैम, वो तो पढ़ा है, वो पढ़ा है, मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ अभी फिलहाल तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रही है ना, उस चीज का बनाना तो नहीं शुरू किया ना। नहीं अभी हम नहीं बनाना नहीं शुरू किया, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर आप टॉप टू बॉटम आओगे तो स्पेशलाइजेशन, अगर बॉटम टू अप जाओगे तो जनरलाइजेशन। अच्छा अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन ये करती हूँ कि अभी जो हमने फर्स्ट डे से जो हम एक केस स्टडी पढ़ते आ रहे हैं कोर्स ऑफरिंग वाली, जिसमें प्रोफेसर स्टूडेंट है, तो उसमें आप मुझे चैट में हर स्टूडेंट कितने 45 है ना, तो 44 कमेंट आने चाहिए मेरे पास चैट में कि अभी वहां पे हमने कुछ क्लासेस देखी, लेट से प्रोफेसर की क्लास है, स्टूडेंट की क्लास है, ठीक है, उस पे अगर हम इनहेरिटेंस करना चाहें तो वो किस टाइप की इनहेरिटेंस होगी स्टूडेंट और प्रोफेसर के लिए। अभी सिर्फ इन दो क्लासेस की बात कर रही हूँ, अभी स्पेशलाइजेशन होगी उस पे या जनरलाइजेशन होगी, जरा सोच के जवाब दीजिएगा चैट पे। जी सिर्फ स्टूडेंट एंड प्रोफेसर पे। अच्छा जो लोग जनरलाइजेशन कह रहे हैं वो भी जरा रीजन बता दें और जो लोग स्पेशलाइजेशन कह रहे हैं वो भी जरा रीजन बता दें। कि अगर मैं स्टूडेंट और प्रोफेसर की क्लास को देखूं और उनके लिए इनहेरिटेंस परफॉर्म करना चाहूं तो वो जनरलाइजेशन होगी या स्पेशलाइजेशन होगी। ओके कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल भी देखी थी कि स्टूडेंट की स्टूडेंट आईडी होगी और प्रोफेसर की प्रोफेसर आईडी होगी। अगर हम इसको एक ही आईडी कंसीडर करें कि दोनों का मैकेनिज्म सेम है तो इट मींस हम क्या करेंगे, हम जनरलाइजेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि प्रोफेसर और स्टूडेंट दोनों क्या कर रहे हैं, कुछ कॉमन एट्रीब्यूट शेयर कर रहे हैं, लाइक प्रोफेसर का भी कोई नाम होगा, स्टूडेंट का भी कोई नाम होगा, ठीक है, प्रोफेसर की भी डेट ऑफ बर्थ होगी या एज होगी, स्टूडेंट की भी एज होगी, प्रोफेसर का भी सीएनआईसी नंबर होगा, आपके जो है स्टूडेंट का भी सीएनआईसी नंबर होगा, प्रोफेसर की भी हाइट होगी, स्टूडेंट की भी हाइट होगी। सो दीज आर सम एट्रीब्यूट्स विच आर कॉमन, जिनको देखकर हम एक नई क्लास बनाएंगे विच वुड बी पर्सन, और प्रोफेसर और स्टूडेंट उस पर्सन की क्लास को इनहेरिट कर रहे होंगे, सो दैट वुड बी जनरलाइजेशन। कि हम चाइल्ड क्लासेस को देखकर पेरेंट क्लास डिफाइन कर रहे हैं, जो कॉमन एट्रीब्यूट हमने निकाले हैं उन कॉमन एट्रीब्यूट को निकाल के हम एक जनरलाइज क्लास बना रहे हैं विच वुड बी पेरेंट, और इस केस में वो पर्सन होगा।
अच्छा, और अगर मैं अपने क्वेश्चन को रीमॉडिफाई करूं, मैं कहूं कि मेरे पास प्रोफेसर की भी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं और मेरे पास स्टूडेंट की भी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं फर्दर, ठीक है? स्टूडेंट कैन बी आपके पास फुल टाइम स्टूडेंट एज वेल, और आपके पास ऐसे स्टूडेंट भी हो सकता है जो सिंपल कुछ जो ट्रेनिंग कोर्सेज के होते हैं, स्पेसिफिक कोर्सेज जो ले रहा है, और एक फुल टाइम जो पूरे सेमेस्टर टू सेमेस्टर साथ चल रहा है. तो इस वाले सिनेरियो में हम क्या यूज करेंगे? उस वाले सिनेरियो में हम स्पेशलाइजेशन यूज करेंगे, जहां पे प्रोफेसर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर. असिस्टेंट प्रोफेसर के अपने कुछ एट्रीब्यूट होंगे, एसोसिएट प्रोफेसर के कुछ अपने एट्रीब्यूट होंगे. तो इस वाले केस में हम क्या कर रहे हैं? इस वाले केस में हम स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं. एग्जिस्टिंग क्लास को देखकर हमने और क्लासेस ऐड करनी है जिनके अपने कुछ कॉमन एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, और स्टूडेंट कैन बी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एज वेल. तो स्टूडेंट वुड बी पेरेंट क्लास, और उसको देखकर फिर अब हम नई क्लासेस डिफाइन करें, दैट इज ग्रेड स्टूडेंट, अंडर ग्रेड स्टूडेंट. ग्रेड स्टूडेंट में कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम हो सकते हैं? बीएससीएस का स्टूडेंट भी हो सकता है, बीएससीआरपी का स्टूडेंट भी हो सकता है, ठीक है? सो हमने फर्दर क्लासिफिकेशन कर दिया, एंड दैट क्लासिफिकेशन इज स्पेशलाइजेशन नाउ. कि मैंने एक पेरेंट क्लास जो स्टूडेंट थी, अब स्टूडेंट को मैंने फर्दर क्लासिफाई किया है. जी अथर, क्वेश्चन है कोई? म्यूट अनम्यूट कर दिया मैंने आपको. अथर 10134, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही अथर. जी क्लास, क्लियर हो गई जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन? और जनरलाइजेशन इनहेरिटेंस हमेशा जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है, एन एरो टुवर्ड पेरेंट क्लास. जो एरो पेरेंट क्लास की तरफ होता है, इट रिप्रेजेंट के दैट इज पेरेंट क्लास, और ये इसके चाइल्ड क्लासेस है. ओके, पुअर जनरलाइजेशन एग्जाम्पल वायलेट द इजा और इजा काइंड ऑफ ह्यूरिस्टिक. ठीक है, पुअर जनरलाइजेशन की एग्जाम्पल क्या होगी? जो इजा रिलेशनशिप को वायलेट कर रही होगी. लेट से पर्सन आर्म लेग एंड हेड. सो आर्म लेग एंड हेड आर नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम पर्सन, दिस आर हैज़ा रिलेशनशिप, जिसमें एसोसिएशन और एग्रीगेशन देखा था हमने. ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस कब लगानी है. हर क्लास के बीच में हम इनहेरिटेंस नहीं लगा सकते. इनहेरिटेंस हमेशा तब लगेगी जब इजा टाइप ऑफ रिलेशनशिप होगी, बिकॉज आर्म इज नॉट अ पर्सन. ठीक है, जब हम ये क्लासेस डिफाइन कर रहे होते हैं तो इसमें हम ये कह रहे होते हैं, लाइक दिस, सेविंग अकाउंट इज अ बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड अकाउंट इज अ बैंक अकाउंट, टीचर इज अ पर्सन, स्टूडेंट इज अ पर्सन, एम्प्लॉय इज अ पर्सन. तो जो क्लासेस इनहेरिटेंस हो रही है उसमें इज अ रिलेशनशिप होना जरूरी है. ठीक है, उसको हम शो कैसे करेंगे? अगर स्टीरियोटाइप फॉर्म में होगी तो प्रोफेसर की एंटिटी क्लास, स्टूडेंट की एंटिटी क्लास, और इन दोनों क्लासेस को देखकर हमने एक और एंटिटी क्लास बना ली, विच इज रजिस्ट्रेशन यूजर, एंड दैट इज एग्जाम्पल ऑफ जनरलाइजेशन, जहाँ हमने दो क्लासेस को देखकर कॉमन एट्रीब्यूट निकाल के पेरेंट क्लास डिफाइन किया, दैट इज जनरलाइजेशन.
ठीक है, अब ये रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड यूजर कैन बी अ प्रोफेसर, कैन बी स्टूडेंट, कैन बी एडमिन, वी कैन क्रिएट न्यू क्लासेस एज वेल, कैन बी टीचिंग असिस्टेंट एज वेल। ठीक है, सो हम इस एक रजिस्टर यूजर में मल्टीपल मल्टीपल टाइप्स के यूजर्स ऐड कर सकते हैं, मैनेजर के भी ऐड हो सकता है। ठीक है, तो इससे फायदा ये क्या हुआ कि एक कॉमन क्लास बना दी जिससे मल्टीपल क्लासेस को हम डिफाइन कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। पुअर जनरलाइजेशन एग्जाम्पल इसलिए है कि आर्म इज अ पर्सन इज नॉट अ राइट और करेक्ट स्टेटमेंट, लेग इज अ पर्सन। ठीक है, तो इनहेरिटेंस हमेशा तब होगी जब इज अ रिलेशनशिप होगी, जब इज अ रिलेशनशिप नहीं होगी तो इनहेरिटेंस भी नहीं हो सकती। ये वाली स्लाइड क्लियर है क्लास? ओके, इनहेरिटेंस ट्री क्या है हमारे पास?